पुनरी में गुरु रविदास सभा में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता गुरु रविदास सभा के संरक्षक हरीश रंगा ने की। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सभा के संरक्षक हरीश रंगा ने पत्रकारों को बताया कि आज सर्वसम्मति से हिशम बुक्कल को रविदास सभा का प्रधान चुना गया है। उप प्रधान पंकज रंगा, सचिव जितेंद्र कुमार को चुना गया है। इसके अलावा कोषाध्यक्ष ईशम सिंह को चुना गया है। इस अवसर पर हरीश रंगा ने सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि समय समय पर वह उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। पुंडरी से अमित कुमार की रिपोर्ट, देखते रहिए अजीत समाचार वेब टीवी। प्रधान हिशम बुक्कल से जानते हैं उनके विचार। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार अमित जी। तो आपका जो एजेंडा, जैसे आप प्रधान चुने गए हैं, आपका एजेंडा क्या रहेगा सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, आपके जितने भी व्यूअर फॉलोअर्स हैं, सबको नमस्कार करता हूँ। रही बात आज मेरा जो चुनाव हुआ है, आदरणीय हरीश रंगा जी की अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई गई, जिसमें समाज के लोग भी उपस्थित थे और पूरी कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से मुझे प्रधान चुना गया। इसके लिए मैं सबसे पहले सारे समाज का धन्यवाद करता हूं, और जो भी मंदिरित में कार्य होंगे मैं उनको निष्ठा से और ईमानदारी से करूंगा। समाज के जितने भी कार्य होंगे उनमें मैं बढ़िया तरह से अपनी भूमिका अदा करूंगा। ठीक है जी। तो सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं पुंडरी रविदास सभा में, जहां पर नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। आइए जानते हैं हरीश जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज ये क्या प्रोग्राम हुआ है? आज हमारे गुरु रविदास सभा पुंडरी की कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई गई थी, और ये बैठक इस संदर्भ में बुलाई गई थी कि नए पदाधिकारियों का इसमें चुनाव हो, गठन हो। तो आज मेरी देखरेख में, बतौर मैं मुख्य संरक्षक गुरु रविदास सभा पुंडरी के नाते जी, मेरी देखरेख में पूरी कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से जी हमारे प्रधान जी को चुना है। आदरणीय श्री हिशम सिंह बुक्कल जी प्रधान चुने गए हैं जी, जो मेरे साथ बैठे हैं जी, और आदरणीय श्री पंकज रंगा जी उप प्रधान चुने गए हैं जी, जो मेरे साथ बैठे हैं, और इन्होंने अपने दो सेक्रेटरी और कैशियर को चुना है। हिशम सिंह जी कैशियर हैं और हमारे सेक्रेटरी जितेंद्र जी हैं, और इनको एक साल के लिए चुना है। और पूरा जो मंदिर की जो देख रेख, मंदिर का जो भी कोई प्रोग्राम होगा, कोई उत्सव होगा, कोई कार्यक्रम होगा, तो सब कार्यकारिणी और जो पदाधिकारी हैं इनकी देख रेख पे होगा, और बतौर मुख्य संरक्षक मेरी इस पर सहमति है। और मैंने इन सब जो कार्यकारिणी के मेंबर थे, इनके जो इन्होंने चुना, उस पर मैंने अपनी सहमति दी और अपनी मोहर लगाई है। और इन सबको जो पदाधिकारी चुने गए हैं, इनको मैंने बहुत शुभकामनाएं दी हैं। और समय समय पर, जैसा आपको पता है, मैं यहाँ आता रहता हूँ, पूरा जो मंदिर की जो रूपरेखा है, कार्यक्रम है, उसमें मेरी बहुत ही एक सक्रिय भूमिका रहती है, और आगे भी मैं इन पदाधिकारियों पर अपना जो भी कोई मार्गदर्शन होगा वो मैं इनको देता रहूँगा जी। धन्यवाद। थैंक यू।